उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें दूसरे नेताओं की तारीफ भी करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है। जिस नजर से कांग्रेस अपने संगठन को देखती है कि राहुल हो या प्रियंका, इस पर ही वो विवाद करते हैं, उसी नजरिए से वो भाजपा को देखते हैं तो गलती करते हैं। भाजपा ने चुनाव मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है। मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गठित होने वाली है। बाकी मैं कांग्रेसियों का स्वागत करता हूं कि वे हमारे अन्य नेताओं की भी महिमा और गुणगान कर रहे हैं और ऐसे ही वो और नेताओं की भी करें तो बेहतर होगा। चुनाव निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। अब लेकिन वो सरकार बनाने में प्रयासरत है, मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई। अब चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की गारंटी पर वो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें मोदी पीएम बिल्कुल नहीं हो सकते। हम तो मांग करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है वो खुद ही अपना कद घटाएंगे। जहां तक शिवराज जी की बात है, मध्य प्रदेश के नाते हम स्वागत करेंगे। अगर शिवराज जी यहाँ चार बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो हम स्वागत करते हैं, भले किसी भी दल के हों। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके 1.5 लाख से जीते हैं, जबकि उनको 10 लाख से जीतने का दावा किया, और शिवराज जी 8.5 लाख से जीते हैं। तो कई ऐसी चीज है जो शिवराज जी का दावा मजबूत करती, प्लस शिवराज जी ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। तो वही एमपी कांग्रेस ने लिया है बागियों पर बड़ा एक्शन। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का यह बड़ा फैसला, कांग्रेस बदलेगी विधायकों की सिटिंग अरेंजमेंट में, कांग्रेस बदलाव लाएगी, सदन के आसन क्रम में बदलाव होगा, बागी विधायकों को अपने साथ नहीं बैठाएगी कांग्रेस। निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने छोड़ी है कांग्रेस, छोड़ने के बावजूद विधायक पद से नहीं दिया इस्तीफा, इस्तीफा नहीं देने के बाद कांग्रेस का यह फैसला। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, 19 जुलाई तक चलेगा, और इन दिनों में कांग्रेस से छोड़कर गए रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। कांग्रेस ने यह बदलाव किया है, बागियों पर बड़ा एक्शन किया, विधायक पद नहीं छोड़ा है इन दोनों ही विधायकों ने, तो ऐसे में कांग्रेस अपने साथ नहीं बैठाएगी। बढ़ते हैं आगे, रतलाम की बात करते हैं, जहां